सर्वेभ्यः नमो नमः साथियों, मैं आपका दोस्त हरिओम यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस ब्यावरा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज पढ़ने वाले हम त्रयोदशा पाठः। पाठ का नाम है महाभारते विज्ञानम, जिसका अर्थ होता है महाभारत में विज्ञान। साथियों, आपने विज्ञान का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन जो महाभारत का समय था उस समय भी विज्ञान चलता था, उसका प्रयोग भी महाभारत के समय किया गया है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो विज्ञान से संबंधित किन किन बातों का महाभारत में प्रयोग किया गया था, उन सभी को आज के इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी टेंथ वाले स्टूडेंट हैं वे सभी अपनी संस्कृत की बुक को निकाल लें और जिस तरह से हम पढ़ते हैं उसी तरह आपको भी उच्चारण करना है और पढ़ना है और उसके अर्थ को समझना है। तो साथियों, अभी हम पाठ को शुरू करते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, उसके बाद में हम हमारे इस पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे कि महाभारत में किन किन बातों को बताया गया था। संस्कृत साहित्य परंपराया वेदानाम अनंतरम लक्ष्य एक पद्यात्मकस्य महाभारतस्य महत्वपूर्णम स्थानम विद्यते। संस्कृत साहित्य परंपरा में वेदों के बाद 100,000 पद्यों में महाभारत महत्वपूर्ण स्थान पर है। 100,000 पद्यों में जो रचित है महाभारत, वो महत्वपूर्ण स्थान पर है। संस्कृत विद्वत समाजे यदहास्ति तदन्यत्र यन्नहास्ति न तत् क्वचिदिति कथनम् अस्ति प्रसिद्धम्। संस्कृत के जो विद्वान हैं उनके द्वारा एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध है, सत्यम पिदम यत् यन महाभारते विद्यते तथैव अन्यत्र। जो कथन प्रसिद्ध है वो ये है कि जो महाभारत में है वो अन्यत्र भी है। यच्च महाभारते नास्ति तदन्य तत्रापि नास्ति, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं और भी नहीं है, अन्यत्र भी नहीं है, अन्य भी नहीं है। महाभारतम आकार ग्रंथः इति सत्यम्। महाभारत क्या है, एक खजाना ग्रंथ है, ये सत्य है। श्रीमतः कृष्ण द्वैपायन व्यासेन विरचिते है महाभारते जीवनस्य सर्वेषाम एव विषयानाम तात्विकम चिंतनम लभ्यते। श्रीमान कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा रचित महाभारत में जीवन के सभी विषयों का तात्विक चिंतन किया है। यथा उक्तम यत महाभारते सर्वे अपि विषयः प्रतिपादिता वर्तन्ते तदनु अत्र पाठे तत् केषाञ्चितम् वैज्ञानिक विषयानाम संक्षेपेण वर्णनम प्रस्तुयते। जैसे कि कहा गया है कि महाभारत में सभी विषय क्या है, प्रतिपादित है, उनमें से यहाँ पाठ में कुछ वैज्ञानिक विषयों का संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत है। चलिए दोस्तों, अब हम पाठ को शुरू करते हैं। साथ ही जितने भी टेंथ वाले विद्यार्थी हैं एमपी बोर्ड की तैयारी करने वाले हैं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और अपने सभी दोस्तों को आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, भारतीय सनातन वैदिक संस्कृत है परिचायक आकार ग्रंथ श्रीमत् महाभारतम। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृत का परिचायक खजाना ग्रंथ है कौन, महाभारत। यस्य प्रणयनम भगवता वेदव्यासेन लोकोपकाराय कृतम अस्ति। इसका जो रचना है, इसकी रचना है भगवान वेदव्यास ने संसार की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए इसकी रचना उन्होंने की है।
एतस्य महता विषय स्वयमेव कृष्ण द्वैपायनो मुनि प्रकाशयति। और इसकी विशेषता के बारे में स्वयं कृष्ण द्वैपायन मुनि ने प्रकाशित किया है कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरत सर्व यदि अस्ति तदत यत्र यत नहास्ति न तत क्वचित। उन्होंने कहा है धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो कुछ इसमें है वो अन्यत्र भी है और इसमें नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है। महाभारतम न केवलम विश्वकोशत्वेन विद्यते अपित्वत्र अपित्वत्र पुराण इतिहासादि नाम वैज्ञानिक दृष्टया भौतिक शास्त्र खगोल शास्त्र कृषि जलबंध जल सेचना आदि व्यवस्था रसायन शास्त्र वेदक शास्त्र लोह शास्त्र वस्त्र निर्माण शस्त्र अस्त्र निर्माण संचालनम विधिरित्या आद्य बहुश विषय ज्ञान विज्ञानोपेता वर्णिता सन्ति। देखिए महाभारत में न केवल महाभारत न केवल विश्वकोश के रूप में है अपितु पुराण इतिहास आदि वैज्ञानिक दृष्टि से भौतिक शास्त्र खगोल शास्त्र कृषि जलबांध जल सिंचाई की आदि व्यवस्था रसायन शास्त्र वेदक शास्त्र लोह शास्त्र वस्त्र निर्माण शस्त्र अस्त्र निर्माण का संचालन आदि विधियों का बहुत सारी विषयों का ज्ञान विज्ञान वर्णित है। तेसु केचन विषया अत्र उदाहयन्ते कुछ विषय यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है जैसे भौतिक शास्त्र वस्तुनाम अन्य सापेक्षम चलनम इत्येषा विचार भौतिक शास्त्रे अतीव प्रसिद्धा। आपका टाइम नहीं लेते हुए हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वस्तु का चलन अन्य के सापेक्ष होता है ये भौतिक शास्त्र का बहुत ही प्रसिद्ध विचार है। मेहता आश्चर्यश विषयो अयम अस्ति यत मम मतम भगवान बद्रायन संस्थापयति महाभारते। बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि भगवान बद्रायन ने महाभारत में इसको स्थापित किया है। क्या उन्होंने स्थापित किया? चलनम यथा दृष्टि पदम परेति सूक्ष्म महद रूपम रूपम इव अभिभाति स्वरूप मालोचयते च रूपम परम तथा बुद्धि पदम परेति। उन्होंने क्या कहा है कि जैसे किसी पर दृष्टि पड़ती है तो छोटी वस्तु भी क्या होती है बड़ी दिखाई देती है और जैसी हमारे बुद्धि में जैसी स्वरूप आता है जैसा रूप आता है वैसा ही दिखाई देता है ऐसा सब भौतिक शास्त्र में कहा गया है। ऐसी पद्यसी प्रथम पादे तेन सा एव विचार प्रकटयति प्रकटिता अस्ति। इस पद्य के प्रथम पाद पाद का अर्थ होता है चरण प्रथम चरण में यह विचार प्रकट किया है। अत्रैव अन्यो अपि दो भौतिक शास्त्र संबंधो विचारो कथितो इस्ताम। अन्य दो पदों में भौतिक शास्त्र संबंधी विचार जो कहे गए हैं तो चा काचकेन दर्शनेन सूक्ष्म अपि वस्तु वृद एव वास्ते कि जैसे ही लेंस के द्वारा सूक्ष्म यंत्र के द्वारा जैसे ही हम सूक्ष्म वस्तु को देखते हैं तो लेंस के द्वारा काचकेन का अर्थ क्या होता है लेंस होता है सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र होता है उसे काचकेन कहते हैं सूक्ष्मदर्शी जो लेंस होता है उसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो छोटी वस्तु क्या दिखाई देती है बड़ी दिखाई देती है। स्वच्छे दर्पणे वस्तुनः रूपस्य तादृश्यमेव प्रतिबिम्बं दृश्यते इति च। और जैसा हम दर्पण के द्वारा जैसा हम बिंब देखते हैं हमारा स्वरूप देखते हैं वैसा ही हमें दिखाई। चलिए तो दोस्तों अब हम खगोल शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। खगोल शास्त्रम कालगणना क्षेत्रे भारतीय खगोल शास्त्रम विश्व अस्मिन प्रसिद्धम अस्ति। जो खगोल शास्त्र होता है वो कालगणना के क्षेत्र में भारतीयों में जो खगोल शास्त्र है वो विश्व प्रसिद्ध है।
कालगणना के क्षेत्र में भारतीयों का खगोल शास्त्र विश्व प्रसिद्ध है। खगोलस्य भाववार्ता भौती यद, क्या है? खगोलस्य भाववार्ता भौती यद आकाश अपि पृथ्वी गोलः अस्ति। खगोल का भाव है कि क्या होता है, खगोल का भाव होता है कि आकाश भी पृथ्वी के समान क्या है, गोल है। महाभारते तु विप्लम सेकंड इति आंग्लिया नामनः प्रसिद्धम इत्यस्यापि विभागा कृतः दृश्यते। देखिए जो महाभारत में जो दिया गया है विप्लम, विप्लम विप्लम का अर्थ होता है सेकंड, इति अंग्रेजी भाषा में प्रसिद्ध है। जो महाभारत में विपल दिया गया है उसे ही इंग्लिश भाषा में क्या कहा जाता है, सेकंड, सेकंड कहा जाता है, ये अंग्रेजी भाषा में प्रसिद्ध है। इत्यस्यापि विभाग कृत दृश्यते, और इसके भी भाग दिखाई देते हैं। यथा यथा काष्ठ निमेश दस पंच चा एव त्रिशत्तु काष्ठ गणयेत कलाम ताम त्रिशत कलाश्चा अपि ही बभेन मुहूर्तो भागा कलाह दशम चा या स्यात्। देखिए काष्ठ पांच निमेश ही है, त्रिशत्तु तीस काष्ठा एक कला समय है, तीस काष्ठा एक कला समय है। त्रिशत्तु कलाश्चापि बहन मूर्तो भाग कलाया दशम स्यात्, और तीस कला का भी भाग होता है, जो तीस होता है वो कला का भी भाग होता है, कला का दसवां हिस्सा भी होता है, कला का दसवां हिस्सा भी होता है। इसी प्रकार एवमेव सूर्य चंद्र ग्रहण विषयानिया विश्वनिया खगोली घटनाया वर्णनम अपि महाभारत कारा करोति। इसी प्रकार सूर्य व चंद्र ग्रहण के विषय में खगोली घटनाओं का वर्णन भी महाभारत कार करता है। साथियों ये वीडियो हमारा बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इस कारण से हम इस वीडियो को यहीं पर छोड़ रहे हैं। इसको आप भाग एक मान लें, पाठ 13 है ये महाभारत विज्ञान। अगला पाठ भी जो हम पढ़ेंगे उसमें भी हम इसी पाठ को पूरा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। लगभग अभी भी वीडियो 10 मिनट का हो चुका है और अभी दुगना वीडियो हमारा बचा है, इस कारण से आधे घंटे के लगभग ये वीडियो बन जाएगा। इस कारण से हम इस वीडियो को यहीं छोड़ रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद, अगला वीडियो हमारा इसके बाद का पाठ हम पढ़ने वाले हैं जो हमने अभी छोड़ा है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी दोस्तों को आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इसी पाठ को आगे पढ़ेंगे। जय हिंद जय भारत।